फाइनली महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनावों के सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं और देखिए उपचुनावों सत्ता बाजार में कौन जीता है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में किसकी सरकार बन रही है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए महाराष्ट्र के महापोल में किसकी सरकार, दूसरा झारखंड के एग्जिट पोल में किसकी सरकार, तीसरा क्या कहते हैं उपचुनावों के एग्जिट पोल और इसमें हम यूपी उपचुनाव की बात करेंगे, चौथा सत्ता बाजार के आंकड़ों में कौन जीता है और पांचवा पिछली बार 2019 में कितने सटीक थे एग्जिट पोल। आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ समेट के मैं आपके लिए ले आई हूं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप नजर डालिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए एक एक करके मैं जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब के पोल्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेटराइज के देख लीजिए, इसमें साफ पता चल रहा है कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है यानी बीजेपी की सरकार बन रही है। 150 से 170 सीटें 48% यहाँ पर शेयर, एमवीए की 110 से 130 यहाँ पर 42% वोट शेयर और अदर्स के खाते में 8 से 10 10%। तो देखिए महाराष्ट्र में कुल सीटें आपको भी पता है 288 है, बहुमत का आंकड़ा 145 है और मेटराइज ने साफ बता दिया है कि एनडीए की सरकार बन रही है यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। और मेटराइज पोल के ही अगर मैं आपको अलग अलग बताती हूँ कि किस किस की सरकार, तो देखिए बीजेपी के पास 89 से 101 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के पास जो कि शिंदे की है 37 to 45 सीट्स और एनसीपी जो कि अजीत पवार की पार्टी है 17 to 26। और आप इसमें देखिए कांग्रेस के पास 39 से 47 यानी दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। आप देख सकते हैं कि 39 से 47 कांग्रेस के पास आ रही है, यूबीटी के पास 21 से 29 और शरद पवार के पास 35 से 43। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक छवि दिख रही है। लोकसभा वाला जो पैटर्न था आपको भी पता है कि सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जो लाई थी वो कांग्रेस लाई थी लोकसभा में, तो इस तरीके से मेटराइज पोल बता रहा है। अब मैं आपको और सोर्सेज बता देती हूँ। पी मार्क की तरफ से बताया गया है एनडीए की सरकार बन रही है 137 से 157 और यहां पर आप इंडिया गठबंधन को देख सकते हैं 126 से 146। अच्छा आप मार्जिन देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे क्लियर कट 137 भी आ सकते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार 146 भी ला सकती है। ये मार्जिन होता है, ये रेंज होती है, तो इसमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है अदर्स के खाते में 2 से 8, लेकिन फिलहाल अभी हम यही मानेंगे कि ज़्यादा सीटें एनडीए को दिखाई जा रही है। पी मार्क की तरफ से, पीपल्स प्लस की तरफ से एनडीए के खाते में 175 से 195। सोचिए बहुमत का आंकड़ा 145, तो एनडीए को कितनी ज़्यादा पीपल्स प्लस ने एजेंसी है जो दे दिया है और इंडिया गठबंधन मात्र 85 से 112, अदर्स के खाते में 7 से 12। और देखिए ये जो अदर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, या तो एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। और अभी मैं आपको जितने भी आंकड़े बता रही हूं ना उसमें आप सब देखना कि अदर्स अगर आप कहीं ना कहीं जोड़ देते हो तो ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, सरकार का बनना किस तरफ वो अदर्स चले जाते हैं, किस तरफ से पूरा फॉर्मेशन होता है वो अभी भी कंफ्यूजन है। चाणक्य स्ट्रेटजीज की देख लीजिए, एनडीए के पास 152 से 160 और इंडिया गठबंधन के पास 130 से 138, अदर्स के खाते में 6 to 8। आगे देखिए इधर लोकपोल की तरफ से, यानी अभी तक लोकपोल पहली ऐसी एजेंसी आई है जो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहा है, 151 से 162 इंडिया गठबंधन और एनडीए के खाते में 115 से 128, अदर्स के खाते में 5 to 14। आगे देखिए पोल डायरी ने बताया है कि कैसे इनका रेंज देखिए कितना ज़्यादा है, एनडीए के पास 122 से 186 की रेंज दे रखी है, इतनी लंबी रेंज दे रखी है, इंडिया गठबंधन में 69 से 121, अदर्स के खाते में 12 to 29। और देखिए अगर इतनी रेंज होती है तो ऐसे ही जो एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करते हैं और कई मरतबा आपको पता है एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं तो इनका विरोध करने वाले यही कहते हैं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत आंकड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार एग्जिट पोल एकदम सटीक साबित भी हुए हैं। तो इलेक्टोरल एज की तरफ से एनडीए के पास 118 और इंडिया की यहां पर सरकार यानी 150, अदर्स के खाते में 20। अब देखिए ये 20 कहीं भी चले जाए, अगर एनडीए के पास चले जाए, इंडिया के पास चले जाए, कुछ भी इसमें हो सकता है। भास्कर ने अपना एक रिपोर्टर्स पोल किया जिसके मुताबिक यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 135 से 150 भास्कर ने दिया है और एनडीए को दिया है 125 से 140। एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी और उनके बेटे भी मैदान में हैं, 2 से 4 सीटें इनके पास। बीवीए वही पार्टी है, अभी 2 दिन पहले जो बताया था कैश कांड हुआ है बीजेपी की तरफ से, विनोद तावड़े जो पकड़े गए कैश के इर्द गिर्द और पूरे आरोप लगे कि भाई वो तो पैसे बांट रहे थे, वो पूरा रचने वाले यानी वो पूरे आरोप लगाने वाले बीवीए की पार्टी, हितेंद्र ठाकुर की पार्टी, क्षितिज ठाकुर पहुंचे थे वहां पर। तो इनके पास 2 से 3 सीटें आ रही हैं, अदर्स के खाते में 20 से 25,
सोचिए अदर्स के पास कितनी ज्यादा सीटें आ रही है और ये कुछ भी खेल बदल सकता है। SAS ग्रुप ने भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है 147 से 155, NDA के पास 127 से 135 और अदर्स के खाते में 10 टू 13। आप लोकशाही की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, NDA के खाते में 128 से 142 यानी NDA गठबंधन की सरकार, इंडिया के खाते में 125 से 140 और आप देखेंगे कि ये जो रेंज है इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 सीटों का फर्क है और अगर अदर्स में देख लीजिए 18 से 23, तो इधर कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं रेंज कितना कंफ्यूजिंग करने वाली है, मतलब एग्जिट पोल में आपके लिए सारे समेट के ले तो आई लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है अभी भी। अभी जब मैं आपको पूरा का पूरा गुना भाग करके बताऊंगी लास्ट में, अंत तक बने रहिएगा तब शायद आपको थोड़ी पिक्चर साफ हो। देखिए अब हम झारखंड की बात कर लेते हैं, झारखंड में कुल सीटें 81, बहुमत का आंकड़ा 41, मैटराइज का सर्वे देखिए, NDA के पास 42 से 47, इंडिया के पास 25 से 30 और अदर्स के खाते में 1 से 4 यानी यहाँ पर NDA सरकार। लोक पोल के हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार यानी 41 से 44 झारखंड में और NDA के पास 36 से 39, अदर्स के खाते में 3 से 4। अब देखिए 3 से 4 अगर इधर चलेगा तो बहुत खेल हो सकता है। एक्सिस माई इंडिया की तरफ से NDA के पास 22, इंडिया गठबंधन के पास 53 यानी बहुमत से ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी है और देखिए हेमंत सोरेन को जितवा दिया है अदर्स के खाते में 3। टाइम्स नाउ JVC की तरफ से NDA के पास 40 to 44, इंडिया गठबंधन के पास 30 to 40 और अदर्स के पास 0 से 1। पीपल्स प्लस के पास NDA में 44 से 53, इंडिया गठबंधन 25 से 37 और अदर्स के खाते में 5 to 9। चाणक्य स्ट्रेटजीज में NDA के पास 45 से 50 यानी NDA गठबंधन की सरकार, इंडिया के पास 35 से 38 और अदर्स के खाते में 3 से 5। भास्कर पोल जो कि अपना इनका पूरा रिपोर्टर्स पोल है, NDA के पास 37 से 40, इंडिया गठबंधन के पास 36 से 39 और आप ये रेंज देखिए सिर्फ एक एक बिंदु का फर्क है, यहाँ 37 तो यहाँ 36, यहाँ 40 तो यहाँ पे 39 और अदर्स में 2। अब ये 2 यहाँ तो इधर चले गए तो NDA सरकार, यहाँ चले गए तो इंडिया गठबंधन सरकार, तो देखिए कितना क्लोज मुकाबला है। जी न्यूज ने इस बार AI सर्वे किया यानी AI एग्जिट पोल किया, उसमें ये लोग बता रहे हैं, अगर हम उपचुनाव की बात कर लेते हैं तो देखिए UP उपचुनाव में कुल 9 सीटें, इसमें BJP प्लस में 5, SP के पास 4 और अदर्स के खाते में 0। और अगर आप मेटराइज देख लेते हैं वही यूपी उपचुनाव का, तो बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन के पास 7, SP के पास 2 और अदर्स के पास 0, यानी जितने भी 4 सर्वे मैं आपको दिखा रही हूँ, JVC जो ये टाइम्स नाउ ने किया है, बीजेपी प्लस के पास 6 और SP के पास 3 और बीजेपी प्लस के पास इधर 7 भास्कर पोल के हिसाब से और समाजवादी पार्टी के पास 2। तो इस तरीके से 4 उपचुनावों के, यूपी उपचुनावों के सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें पता चल रहा है कि बीजेपी यहां पर SP से कहीं आगे है। चौथा आप ये भी देख लीजिए सट्टा बाजार के आंकड़ों में कौन जीता है, तो देखिए एक फालोदी सट्टा बाजार है, उन्होंने बता दिया है महाराष्ट्र में NDA सरकार बन रही है और उनको 144 से 152 सीटें मिल सकती हैं। और देखिए सट्टा बाजार में अक्सर ऐसा होता है कि जिन पे कम पैसे लगते हैं वो तो जीत रहा होता है, जिस पे ज्यादा पैसा लगता है वो हार रहा होता है। तो इस तरीके से सट्टा बाजार ने भी अपना प्रेडिक्शन दिया और ऐसे कई तरीके के सर्वेज, ऐसे कई तरीके के एग्जिट पोल भी मार्केट में हैं। लेकिन अगर जो मैंने अभी आपको दिखाया है अपने शो में, जिन जो भी जितने क्रेडिबल एग्जिट पोल हैं और जो हमेशा करते आते हैं उनके हिसाब से महाराष्ट्र के मैंने आपको 10 सर्वे दिखाए हैं और अब आप देखिए NDA सरकार जिसमें बन रही है, मैं आपको फिर बता रही हूँ वो रेंज इतनी कम है, ये जो अनुमान लगाया है ना वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि किसके नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वो रेंज 1 या 2 का जो फर्क है उसके हिसाब से देख ले तो NDA गठबंधन की सरकार 6 और इंडिया गठबंधन 4 में बन रही है। यानी 4 सर्वेज बता रहे हैं कि भैया महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार तय है और 6 सर्वे बता रहे हैं कि NDA गठबंधन की सरकार यानी बीजेपी प्लस की सरकार आएगी। तो देखिए ये फाइनल है महाराष्ट्र में, लेकिन इसमें कई ऐसे और भी सर्वेज हैं जो हमने नहीं लिए और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस पे विश्वास हो रहा है कि आपको इस पे विश्वास हो रहा है, और जो अनुमान, जो ये 1-2 पॉइंट का अंतर है, ये जो अदर्स कुछ खेल कर सकते हैं उससे आपको क्या लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी भी राय चाहिए क्योंकि आप सब वोटर्स हैं, आप जनता हैं। झारखंड में देखिए 7 सर्वे मैंने आपको दिखाए हैं, 7 सर्वे दिखाए हैं जिसमें से 5 में NDA की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार 2 में।
तो अब आप झारखंड में भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा ज्यादा आपको लगता है कि कौन सा सर्वे सही साबित होगा। यूपी उपचुनाव जो आपको मैंने बताया है, चारों के चारों सर्वे कह रहे हैं कि भैया एनडीए को बढ़त है। अब देखिए सारे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब आप ये भी तो देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था। अगर मैं महाराष्ट्र एग्जिट पोल की बात करती हूँ तो देखिए ये वाला कॉलम एनडीए का है, ये वाला इंडिया गठबंधन का है, उस वक्त हम इसको यूपीए कहते थे, अदर्स के खाते में ये है। और जो मेन रिजल्ट है वो नीचे है। तो देखिए महाराष्ट्र में 2019 में क्या हुआ था, 161 तो आए थे बीजेपी गठबंधन को, 98 आए थे यूपीए को और 29 आए थे अदर्स को। और अगर आप देखेंगे जैसे देखिए इंडिया टुडे एक्सिस, एकदम उन्होंने आसपास ही बताया 166, 175, 243। हालांकि इनके अगर आप नंबर्स देखेंगे एनडीए गठबंधन के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आए कितने, 161। इधर आप देखेंगे जितने भी सारे आपको थोड़े कम लगेंगे, देखिए न्यूज 18, आईपी, एसओएस ने तो 41 बता दिया था, 52, 59, लेकिन आए कितने, 98। आपको कहीं पे भी 98 का आंकड़ा नहीं दिखा होगा इंडिया गठबंधन के लिए, यानी यूपीए गठबंधन के लिए, लेकिन आए कितने, 98। अदर्स के खाते में आप देख लीजिए, आपको कहीं पे भी 29 नहीं दिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 29। इधर 161 सिर्फ एक में, 161 भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि भाई बम्पर मेजोरिटी है एनडीए की। तो ये थे सारे एग्जिट पोल और ये था रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है इन दोनों में। और अभी कुछ समय से आप जानते हैं, चाहे वो लोकसभा ले लीजिए, चाहे वो तमाम तरीके के दूसरे चुनाव ले लीजिए, उसमें एग्जिट पोल के साथ जो हो रहा है, अनुमानों के साथ जो हो रहा है, उसने सबको टेंशन में डाल दिया है कि भाई अब एग्जिट पोल पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। आप भी मुझे बताइए कि क्या आपको एग्जिट पोल पे भरोसा है कि आप सिर्फ फन के लिए ये देख रहे हैं। आगे देखिए झारखंड में, मैं आपको बता देती हूँ, 3 एग्जिट पोल सामने हैं, इंडिया टुडे, एबीपी, आईएनएससी, वोटर, टाइम्स नाउ। और अगर आप देखते हैं मेजॉरिटी, दो ने तो यूपीए को दे दी, एक ने हंग बता दिया, और ये इनके सारे नंबर्स हैं। और अगर आप पूरी की पूरी यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट, तो देखिए यूपीए के पास 47, यूपीए जीता था, बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास 25। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, आपको दो में तो दिख जाएगा 28, 27। तो झारखंड के कई हद तक आप देख सकते हैं कि दो में इन्होंने बताया भाई यूपीए सरकार, और इधर यूपीए सरकार बनी है। हालांकि एबीपी, आईएनएससी, वोटर का प्रेडिक्शन सही नहीं निकल पाया, उन्होंने कहा हंग असेंबली होगी। तो इस तरीके से झारखंड के एग्जिट पोल रहे थे। तो वही फिर बात घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है कि एग्जिट पोल आ तो गए, अलग अलग एजेंसीज ने बता तो दिया, लेकिन जनता क्या एग्जिट पोल पे विश्वास करे, क्या उस जोर पर वो ये पता कर पाए कि किसकी सरकार आ रही है। नहीं तो फिर देखिए सैटरडे को है, 23 तारीख है, उस दिन नतीजे आएंगे, और ये सब कितने सटीक होते हैं, कितने प्रिडिक्शन सही होते हैं, गलत होते हैं, आपको भी पता है उस दिन कितनी ट्रोलिंग होती है, चाहे कोई भी एजेंसी हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, अब सबको नतीजों का इंतजार है, हमें भी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।